सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार की पूर्वी चंपारण की रहने वाली हूँ। मेरा नाम निकी है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंग थोड़ी सी काली थी, देखने में भी खूबसूरत ज़्यादा नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान थी। उन्हीं दिनों एक रिश्ता कराने वाली मेरे घर आई और कहने लगी, मैं इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाई हूँ। लड़का संस्कृत में PhD कर रखा है, अभी तो कहीं जॉब नहीं कर रहा। वह मंदिरों में पूजा पाठ हवन वगैरह कराता है, उसी से उसका घर खर्च निकल जाता है और उसके घर में उसके सिवा कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। वह अपनी बुआ के घर रहता है, अब एक मंदिर में पुजारी का काम करता है और अपने घर में अकेला रहता है। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा समझा और मेरी शादी उस पंडित जी से करवा दी। शादी के 3 साल तो ओम के साथ मेरी बहुत अच्छे से बीती थी, मगर जब उसे पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी ज़िंदगी उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। वह बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा जैसे तैसे करती थी। मैं ओम की बातें चुप करके सुना करती थी, उसे कोई जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था ओम अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो मुझे छोड़ देगा, या फिर वह दूसरी शादी की फिराक में है और मुझसे लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढता रहता है ताकि वो मुझे डिवोर्स दे सके। अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह बीत रही थी और हमारी शादी को 15 साल बीत गए। ओम अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वह घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे जो उन्हें पापा पापा कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर तो मेरा कलेजा कटकर रह गया था। उन्होंने कब से दूसरी शादी की हुई थी और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। ओम ने औलाद के खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी पत्नी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मगर अब हालात खराब होने की वजह से उसे घर में लेकर आए थे। मेरी हैसियत तो पहले भी नौकरानी जितनी ही थी, मगर इस रात ओम की दूसरी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि अब घर में वो रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मैं तो बिल्कुल चुप करके अपने कमरे में बैठी थी। अचानक वो मेरे कमरे में आए। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और गलत गलत इल्ज़ाम लगाए और उसी टाइम मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी। सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। मेरी माँ ने मुझे दिलासा दिया और अब अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। मेरी उम्र 45 साल हो चुकी थी और मैं एक विधवा जैसी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ बिता रही थी। मेरी माँ मुझसे पुचकार कर पूछती थी और मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहा करती थी। मगर मेरी बदसूरती और हमारी गरीबी मेरे रिश्ते के बीच में हमेशा दीवार बन जाती थी। मैं भी अब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। बात तो ये थी कि अब मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। नौकरी में धीरे धीरे मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदनी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे मैं ये बात जान गई थी कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई बाहर नहीं उतरने वाली है। मेरी दुनिया बहुत मजबूर होकर रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और दफ्तर से लौटकर घर वापस आती। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में भी शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा हुआ था। ओम ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। उसने तो मुझे अपने मोहल्ले में भी बदनाम कर दिया था। उस मोहल्ले के हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगे थे। मैं खुद को अच्छी तरह से अपने आप को ढाँक कर घर से निकलती थी। माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। कहीं ना कहीं बीमारी डिवोर्स होने का गम मेरी माँ से चिपट कर रह गया था और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से घर वापस लौटी तो माँ बहुत ही बेचैन थी। मैंने जल्दी माँ को रिक्शे में डालकर एक पास के छोटे से अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ काम करने वाला एक लड़का बहुत ही अच्छा था। उसने माँ की ख़राब तबीयत को देखते ही एक गोली उनके मुंह में रख दी और कहने लगा, आप बाहर डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर लीजिए। माँ की तबीयत कुछ अच्छी हो गई थी। माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जुबान के नीचे गोली रखने से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए,
तब तक वह लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा। उसका नाम पिंटू था। वह मुझसे मेरी माँ की बीमारी की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वह खुद माँ को अंदर ले गया और चेक करके बताया। जब मैं और मेरी माँ अस्पताल से वापस लौटने लगे तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहने लगा, अगर कभी भी कोई समस्या हो तो मैं उसे फ़ोन कर सकती हूँ। 30 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगा था। सभी मरीजों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए अब नौकरी पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी हर टाइम अपनी माँ की फिक्र सताने लगी थी। 2 दिन के बाद माँ ने फ़ोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं दफ्तर से छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मैंने पिंटू को मजबूरी में फ़ोन मिलाया और उसे अपनी समस्या बताई तो वह जल्दी से मेरे घर जाने के लिए राजी हो गया। कुछ देर बाद पिंटू का फ़ोन आया था। उसने मुझे बताया था कि माँ की तबीयत अच्छी हो गई है। उसने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो और आराम से अपना काम कर लीजिए, आपकी वापसी तक मैं आपकी माँ के साथ ही हूँ। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई। मैंने पिंटू का दिल से धन्यवाद किया था। मुझे कोई फरिश्ता मालूम हो रहा था जो उस मुश्किल घड़ी में मेरे काम आ गया था, क्योंकि मेरे लिए दफ्तर से निकलना भी बिल्कुल नामुमकिन था। जब मैं घर वापस लौटी तो माँ की तबीयत काफ़ी अच्छी थी। माँ ने बताया, पिंटू ने उनका बहुत ख्याल रखा है। अब पिंटू रोज ही माँ को देखने के लिए हमारे घर आने लगा था। अब तो शाम के टाइम पाबंदी से आता और खुद ही माँ का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी सलाह मशवरा हो गई थी। पिंटू हमारे घर का एक मेंबर सा बन गया था। मेरे लिए तो वह किसी छोटे भाई की तरह ही था। मुझे जब भी मेरी माँ की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं जल्दी से पिंटू को फ़ोन मिला दिया करती थी और पिंटू हमारी मदद के लिए आ जाता था। वह पिछले 5 सालों से इस अस्पताल में जॉब कर रहा था। उसे दवाओं और बीमारियों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। एक दिन जब पिंटू घर आया तो माँ सो चुकी थी। मैं हमेशा की तरह चाय बनाकर पिंटू के पास आकर बैठी थी। अचानक ही पिंटू ने मुझसे एक ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पिंटू इस तरह की कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगता था कि शायद वह मजाक कर रहा है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और उसे पूछने लगी कि उसने अपनी पढ़ाई की सफ़र क्यों छोड़ दिया था। वह कहने लगा, उसे पढ़ाई का कोई खास शौक नहीं था। उसके पापा ने बहुत जिद किया, लेकिन वह फिर भी पढ़ाई ना कर सका और उसने अपनी मर्जी से ये नौकरी कर ली। उसके माँ बाप उसकी नौकरी पर खुश नहीं थे, लेकिन पिंटू के आगे वह कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिंटू मिजाज का जिद्दी था। पिंटू कह रहा था कि उसे मरीजों का अच्छा सेहत देखते हुए बहुत खुशी मिलता है। वह पढ़ लिख कर डॉक्टर तो नहीं बन सका था, लेकिन उसने अपने ही काम में इतनी नॉलेज हो गई थी कि वह बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही हर मरीज को समझाया करता था। मुझे पिंटू की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वह मुझसे शादी के लिए कहेगा, क्योंकि मैं उससे उम्र में 15 साल बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक डिवोर्सशुदा औरत थी, लेकिन उसने अगले दिन ही मुझे 2 बार शादी के लिए पूछा तो मैंने उसे साफ मना कर दिया और उसको समझाया। वह मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई जैसा ही है और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूँगी। मेरी बात सुनकर पिंटू के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वह चुप से चला गया था। वो मुझे लगा अगले दिन वह नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो पहले से ही मेरे घर में मौजूद था और मेरी माँ उसके साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। माँ को बहुत सालों बाद हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे देखते ही बड़े सलीके से मेरी स्वागत की थी, फिर मेरी माँ के साथ बातों में बिजी हो गया था। मैं उस लड़के पर हैरान थी जिसे मैंने कल साफ साफ मना कर दिया था, और मुझे लगा था कि अब वह नहीं आएगा, लेकिन वह तो रोजाना की तरह ही खुश मिजाज था, माँ के साथ बैठा था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने रसोई में चली गई थी। वह मेरे पीछे पीछे ही चला आया। उसकी आहट पर मैं चौंक कर पलटी तो कहने लगा, निकी आप कब तक अकेली जिंदगी बिताओगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपको हमेशा खुश रखूँगा। मैंने गहरी सांस भरी और पिंटू को एक दफ़ा फिर समझाया कि मेरे लिए उसकी उम्र में बहुत फ़र्क है, हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह पिंटू की आदत है, मैं अगर उसे सख्ती से पेश आऊँगी तो वह इस बात को लेकर और भी ज़्यादा बहस करेगा, इसलिए मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम किसी जवान लड़की से शादी कर लो। लेकिन पिंटू तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि पिंटू को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वह कम उम्र और खूबसूरत भी है, उसे कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसे कहा, पहले तुम अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करो और उसके बाद आकर मुझे बताना, मैं तुमसे शादी का कोई फैसला करूँगी। मुझे पूरा यकीन था पिंटू के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ बाप अपने 30 साल के बेटे की शादी एक 45 साल की तलाकशुदा औरत से नहीं कर सकते हैं। अगले दिन पिंटू हमारे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात नहीं की और मुझसे तसल्ली हो गया कि अब मुझे तंग नहीं करेगा। पिंटू को हमारे घर आते हुए 8 महीने का समय बीत गया था और अब पिछले 2 महीने से उसने एक दफ़ा भी शादी की कोई बात नहीं की थी। मैं बिल्कुल तसल्ली में हो गई थी, अपनी नौकरी बड़े आराम से कर रही थी और माँ की तबीयत भी काफ़ी ठीक हो गई थी। मेरी नौकरी में ज़्यादा तरक्की मुझे मिल गई थी। मैं माँ के लिए एक नौकरानी रखना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसी भरोसेमंद नौकरानी नहीं मिल रही थी जिसे मैं अपनी गैर मौजूदगी में अपने घर छोड़ती। जितना टाइम पिंटू हमारे घर बिताता, हमारे घर के दीवार तक हंसते मुस्कुराते रहते थे। उसके जाते ही घर में एक दफ़ा फिर सन्नाटा छा जाता, क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी रहती और माँ अकेली चारपाई पर पड़ी रहती। अब तो मुझे और माँ को भी पिंटू की इतनी आदत हो गई थी, अगर एक दिन भी ना आता तो मैं खुद ही उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछ लेती थी। एक दिन पिंटू हमारे घर आया तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे देखते ही फौरन मेरे पास चला आया और कहने लगा कि उसके माँ बाप रिश्ते के लिए मेरे घर आने के लिए तैयार हैं। वह मुझसे पूछ रहा था कि आप बताएं मैं उन्हें कब भेजूं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। कहने लगा कि आपने ही तो कहा था जब तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए मान जाए उस टाइम आप मुझसे शादी कर लोगी। मैंने पूरा 1 साल लगाकर अपने माँ बाप को मनाया है, अब आप मुझे बताइए कि मैं उन्हें कब भेजूं। खुशी पिंटू के चेहरे पर बिल्कुल छलक रही थी और मैं ये सोच रही थी कि उसने न जाने कितनी मुश्किलों से अपने माँ बाप को मनाया होगा। वह इतने महीने से इसलिए चुप था क्योंकि वह मेरी बात पर पूरी तरह उतर गया था और मैं ये समझ रही थी कि वह अपने इरादे से बाज आ गया है। मैंने अपनी माँ को सब बात बताकर उनसे राय कर लिया। माँ के चेहरे पर भी खुशी फैल गई। वह कहने लगी, पिंटू से अच्छा तुम्हारे लिए कौन हो सकता है, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और मुझे भी मरते टाइम सुकून मिल जाएगा, मेरी बेटी अकेली नहीं है। माँ कह रही थी कि शादी के बाद तुम नौकरी छोड़ देना और आराम से घर संभालना। माँ के मजबूर करने पर मैंने पिंटू को कहा कि ठीक है, वह अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दे। अगले ही दिन पिंटू के माँ बाप रिश्ता लेकर आ गए। वह लोग शायद इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और मैं ये बात अच्छी तरह समझ सकती थी, क्योंकि मेरा और पिंटू का रिश्ता बिल्कुल भी बेजोड़ था। जिसको भी इस रिश्ते की खबर मिलेगी वह यही कहेगा, एक बूढ़ी ने जवान लड़के को फंसा लिया है। हमारे ज़माने में ये बात अब आम सी हो गई है। एक उम्रदराज औरत की किसी कम उम्र के लड़के से शादी अच्छी नहीं समझी जाती। मेरा पिंटू का रिश्ता हो गया था। कभी कभी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता कि मैं जिसे छोटा भाई की तरह समझती थी अब मैं उसी से शादी कर रही हूँ। पिंटू और मेरी शादी बिल्कुल सादगी से हो गई थी और मैं भी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहती थी। पिंटू के माँ बाप भी इस बात को जमाने वालों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बहू एक 45 साल की तलाकशुदा औरत थी। आस पड़ोस वालों को जब मेरी शादी का पता हुआ तो उन्होंने भी बातें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पड़ोस वाली मौसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि माँ की बीमारी के बहाने लड़के को बुलाकर निकी ने खूब फंसा लिया है। उनकी इस बात पर मेरे आंसू मेरे हल्क में उतर गए थे। विदाई के टाइम में अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी और उसके पीछे मोहब्बत के अलावा एक और वजह थी, और जब पिंटू ने वह वजह बताई तो मेरे आंसू ना थम सके। कहने लगा, निकी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करूँ। फिर मुझे अस्पताल में आप मिली और मैं आपके डिवोर्स से बहुत मुतासिर हो गया। जब मेरा आपके घर आना जाना शुरू हुआ, मैं आपको और धीरे धीरे जानने लगा और मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत दिल की मालकिन हैं। मुझे खुद ब खुद आपसे मोहब्बत हो गई। मेरी वह ख्वाहिश जो हमेशा दुआ बनकर मेरे लबों पर उतरती थी, शायद वह कबूल हो गई थी, जो अब बहार बनकर मेरी ज़िंदगी में चली आई थी। जब आपने कहा तुम पहले अपने माँ बाप को इस रिश्ते के लिए राजी करो, तब कुछ परेशान सा हो गया था। मैंने ही डरते डरते घर में जब रिश्ते की बात की तो पहले तो मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आ गए। मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं शादी करके
अपनी पत्नी का खर्चा बर्दाश्त करता। यही बात मेरे माँ बाप ने मेरे सामने रख दी, जब तुम्हारी बीवी आएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे माँ बाप ने कहा कि पहले उस काबिल बन जाओ कि तुम्हारी शादी के बारे में सोचा जाए, फिर अपनी पसंद बताना। मैं अपने बाप की इस शर्त को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी से एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया, और 1-2 महीने में भी मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैं दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाप मान गए। जब मैं जामिया मिलिया स्कूल में 6ठी क्लास में था, उस टाइम अपनी एक किताब में पढ़ा था, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत से की थी, जिनका नाम खदीजा था। वह हमारे नबी से उम्र में बहुत बड़ी थी, उस टाइम मैं छोटा था। यही सोचा था कि कोई भी इंसान अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी कैसे चुन सकता है जो उससे उम्र में बहुत बड़ा हो, और इसलिए मैंने बड़े होने के बाद इस बारे में जब ज़्यादा गहराई से सोचा तो मुझे पता चला कि अपनी उम्र की वजह से हजरत खदीजा बहुत ही समझदारी रखने वाली औरत थी, साथ में घर संभालने वाली औरत थी। जब हमारे प्यारे नबी का साथ देने के लिए कोई नहीं था, उस टाइम सबसे पहले हजरत खदीजा ने ही उनका साथ दिया था। मैं जान गया था कि हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर छुपी होती है जो हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जो उम्र में मुझसे बड़ी होगी, और फिर मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। मैं उस टाइम पिंटू की बात सुनकर और गहराई में चली गई थी। जब पिंटू ने फिर से कहा, मुझे इस हदीस का पता हुआ कि ऐसे दौर में भी जो कोई इस सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे शहीद के बराबर सवाब मिलेगा, और आज के दौर में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बहुत ही बुरा समझा जाता है, जबकि ये एक सुन्नत अमल है। अगर कभी कोई कम उम्र लड़का किसी बड़ी उम्र की औरत से शादी भी कर लेता है तो लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं और कहते हैं इस औरत ने लड़के को फंसाया होगा। हम लोग ये बात भूल चुके हैं कि एक सुन्नत है और उसकी कोई बुराई नहीं है। पिंटू ने कहा, मुझसे शादी करने की वजह ये थी कि वह मुझसे मोहब्बत भी करता था और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा भी करना चाहता था। पिंटू की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके साथ विदाई होने से पहले तक मैं भी यही सोच रही थी कि दुनिया वाले मुझे न जाने कैसे कैसे तानों का शिकार बनाएंगे, लेकिन पिंटू ने मुझे सच का ऐसा आईना दिखा दिया था कि मेरी सोच भी पूरी तरह बदल गई थी। मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी दुनिया के धूप छाँव में बिताई थी और दिन पर थोड़ा ही अमल करती थी। खुदा ने न जाने किस नेकी के बदले मेरे नसीब में पिंटू जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। अब मुझे पिंटू के साथ मिलकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करनी थी। हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक कदम उठाकर अपनी एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए अपने नबी की छोटी छोटी सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। उन्हें हम आज के दौर में अपनी जाहिलियत की वजह से गलत समझने लगते हैं। पिंटू, मुझ जैसे बांझ बेसहारा औरत से शादी करने पर अल्लाह ताला इतना राजी हुआ, उसने हम दोनों को औलाद जैसी खुशी अता कर दिया था। अल्लाह ताला के तरफ से हम दोनों के लिए बहुत बड़ा इनाम था, और मैं अपनी सेवा से अपने सास ससुर का दिल भी जीत लिया था। मेरे पहले पति ने मेरे साथ जो भी किया था मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब वह बहुत बीमार था, उसे ब्लड प्रेशर हो गया था और वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बिता रहा था। आपको क्या लगता है कि मैंने पिंटू से शादी करके ठीक किया या गलत, जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।